बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटे आज हम बायोलॉजी पार्ट वन के चैप्टर नंबर 7 का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे और ये लेक्चर होगा हमारा प्रोटोजोआ के मुतालिक। प्रोटोजोआ क्या है बेटा? ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में जैसे कि मैंने स्टार्ट में पहले लेक्चर में बताया था कि तीन हिस्से हैं इस चैप्टर के, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो आज हम उन हिस्सों के सबसे पहला हिस्सा डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट द प्रोटोजोआंस। तो तमाम प्रोटोजोआंस बेटा ये यूनिसेलुलर होते हैं और ज्यादातर इनमें से इंजेस्टिव बिहेवियर रखते हैं कि वो एंडोसाइटोसिस के जरिए फूड को इंजेस्ट करते हैं। तो उसमें बेटा ये पूरा का पूरा टेबल हमारे पास मौजूद है जिसमें इनके तमाम फाइलास के नाम है, लाइक पहला है अमीबा है, देन वी हैव जूफ्लैजिलेट्स, एक्टिनोपोर्स, फोरामिनिफेरा, एपिकम्प्लेक्सेंस एंड सीलिएट्स। तो ये हमारे पास इनके 6 ग्रुप्स हैं। इसमें इस पूरे टेबल के अंदर आपको एक समरी मिलेगी, उसमें ये बताया गया कि इनकी फॉर्म्स कैसी हैं, ये लोकोमोट कैसे करते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या क्या है। तो बेटा अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। नंबर वन है बेटा हमारे पास अमीबा। तो अमीबाज जो है हैबिटेट अगर इसकी देखें तो फ्रेश लिविंग लिविंग इन फ्री फ्रेश वाटर, तो मैराइन वाटर में भी होते हैं, सॉयल और पैरासाइट्स के तौर पर भी ये जिंदगी गुजारते हैं। सोडोपोडिया मोड ऑफ लोकोमोशन इनके अंदर सोडोपोडिया होता है, ठीक है। सोडोपोडिया क्या होता है बेटे? आप लोग 9th-10th क्लास में भी इसके हवाले से पढ़ चुके हैं। अमीबा जो है अगर आप डायग्राम में नीचे देखें तो अमीबा जो है इसकी कोई डेफिनेट मूविंग पार्ट्स या पार्टिकल्स इसके पास या कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते, लाइक जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला मौजूद है, उसके पास सीलिया मौजूद है, ठीक है, मुख्तलिफ जो है सीलिएट्स के पास सीलियर्स होते हैं। इनके पास बेटा किसी किस्म का कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो फिर ये मूव कैसे करते हैं? ये मूव करते हैं कि जिस साइड पर इन्होंने मूव करना होता है या होना होता है, ये बेटा उस साइड पर कुछ खास किस्म के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमें अल्लाह ताला ने हाथ या पांव दिए हैं। तो वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये अपने बॉडी का मटेरियल उन प्रोजेक्शंस की तरफ प्रोपेल करते हैं। जैसे प्रोपेल करते हैं तो उस साइड पर जिस साइड पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं फिर ये उस साइड पर मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शंस बनते हैं वो कहते हैं ये ऐसा ही है जैसे कि झूठ मूठ के पांव हो। सोडोपोडिया टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बनता है बेटा, सोडो मीन फॉल्स, पोडा मीन फीट। तो सोडोपोडिया फॉल्स फीट, यानी कि ये फॉल्स फीट बनाकर ये मूव करते हैं। फूड देखें तो ये अपने से स्मॉल ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर पर ये जो है वो फीड करते हैं। रिप्रोडक्शन देखें बेटा, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, ठीक है, एसेक्सुअली बाइनरी फिशन के जरिए ये प्रोड्यूस होते हैं सिस्ट, मेनी ऑफ देम फ्रॉम टफ एनक्लोज्ड रेस्टिंग स्टेजेस कॉल्ड सिस्ट ये बनाते हैं। तो सिस्ट क्या है? ये इनकी हार्ड कवरिंग होती है इनकी बॉडी के अराउंड। 6th चैप्टर में हमने सिस्ट के हवाले से बहुत ज्यादा पढ़ा है कि ये हार्ड कवरिंग होती है इनकी बॉडी के अराउंड और ये उससे जो है वो पैरासिटिज्म से बच सकते हैं। एग्जाम्पल है जी इसकी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है ना, ये अमीबा की एग्जाम्पल है। तो जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो कि अमीबिक डायसेंट्री डिजीजेस मैन ह्यूमंस के अंदर मैन के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी एग्जांपल्स में अमीबा जायंट अमीबाज शामिल है। जायंट अमीबा जो है वो तमाम यूकेरियोट्स में सबसे मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो जिसको जायंट अमीबा कहते हैं। तो साइंटिफिक नेम इसका बेटा पैलोमाइजा पैलोस्ट्रिस है। ये स्पीशीज जो है इनमें मल्टीपल ऐसे कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं बेटा जो दूसरे किसी भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं है, बट ये कंफर्म है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जरूर है, तो इसीलिए इसको जो है ना प्रिमिटिव यूकेरियोट का नाम दिया जाता है। जायंट अमीबा आमतौर पर बेटा मड में एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स वहां पर पाया जाता है, तो जहां पर वहां पर रहते हुए ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डिग्रेडेशन करता है, ठीक है जी। इसके अंदर मेथेनोजेनिक बैक्टेरिया पाए जाते हैं, तो उन बैक्टेरिया को के साथ ये अपना एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाता है कि उनको ये अपने अंदर रखता है, रहने सहने की जगह देता है और वो बैक्टीरिया फिर जो फूड बनाते हैं वो इसको भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। ये था बेटे अमीबास। देन वी हैव जूफ्लैजिलेट्स, सेकंड वन जूफ्लैजिलेट्स।
स्ट्रक्चर देखें जूफ्लैजिलेट्स का, ये प्रोटिस्ट है, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ इनमें कॉलोनीज भी बनाते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्फेरिकल है, एलोंगेटेड बॉडीज होती हैं इनकी और विद सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें एक ही सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। फ्लैजेला, एक वन टू मैनी लॉन्ग विप लाइक फ्लैजेला मौजूद होते हैं इनके अंदर, जो कि इनको रैपिडली जो है मूव करने में हेल्प करते हैं और ये फॉरवर्ड लैशेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म को मूव करवाते हैं। न्यूट्रिशन देखें जी, तो प्रोटोजोआंस हैं ऑब्वियसली, दूसरे ऑर्गेनिज्म्स को डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाकर जिंदा रहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्वियसली एनिमल्स हैं तो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। सिम्बायोंट्स के तौर पर रहते हैं बेटा ये, फ्री लिविंग पैरासाइट और सिम्बायोंट्स, मतलब कि फ्री लिविंग का ये है कि जो खुद शिकार करके खाते हैं, ये खुद अपने फूड को लेके खाते हैं। पैरासाइट्स किसी की बॉडी के अंदर के रहते हैं या होस्ट बॉडी में रहते हैं, और सिम्बायोंट्स जो दोनों आपस में एक दूसरे को फायदा दे सके। एग्जाम्पल में बेटा इसके ट्राइकोनिम्फस है, ये कम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड फ्लैजेलेट है जिसके बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं और ये गट के अंदर एज अ सिम्बायोंट के तौर पर रहता है, ठीक है जी। अब गट या इंटेस्टाइन, किसकी गट या इंटेस्टाइन? टर्माइट्स की, दीमक जिसको हम कहते हैं। तो टर्माइट का काम यह है कि वो लकड़ी को खाती है लेकिन वो लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो लकड़ी को डाइजेस्ट करने का काम ये ट्राइकोनिम्फस करता है, इसलिए ये इनकी आपस में एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, ठीक है जी। देन वी हैव एक और डिजीज है जी हमारे पास, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। तो ट्राइपैनोसोमा जो है एक ह्यूमन पैरासाइट है जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है, और ये हमें ट्रांसफर कैसे होता है? जब एक खास किस्म की फ्लाई है बेटा जिसको सेटसी फ्लाई कहते हैं, टी इसमें साइलेंट है बेटा, तो इसको सेटसी या कुछ लोग सीसी भी बोलते हैं लेकिन ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन इसकी सेटसी है, ठीक है। फर्स्ट टी साइलेंट है, नेक्स्ट टी साइलेंट नहीं है, तो ये सेटसी फ्लाई की बाइटिंग से हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो ट्राइपैनोसोमा ये हमें अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। फिर वो कहते हैं जी ये प्रोटोजोआंस एक और खास किस्म की का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे अगर आप इसमें लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम दी गई है नीचे उसमें आप देखें तो आपको एक डंडी नजर आ रही है, डंडी के ऊपर बहुत सारे आप जो है जूफ्लैजिलेट्स नजर आ रहे हैं। तो कहते हैं कि ये क्वानोफ्लैजिलेट्स जो है ये सेसाइल मेराइन और फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट्स कहलाते हैं। ये डंडी के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, हर के एक के पास अपना अपना एक फ्लैजेला मौजूद होता है और एक डेलिकेट बड़ा खूबसूरत सा कॉलर होता है, नेक पोर्शन होता है इनके अंदर। तो ये जो इनकी बनने का तरीकेकार है ये स्पॉन्जेस के साथ मिलता जुलता है, तो साइंटिस्ट जो है वो इसको स्टडी कर रहे हैं कि ये कैसे स्पॉन्जेस के साथ इंटररिलेटेड है, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव सीलिएट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये प्रोटोजोआंस के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, वैसे सेवन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, तो जब आया करता था तब ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब लॉन्ग क्वेश्चन सेवन चैप्टर से नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेलिकल जी, इसके सीलिएट्स की बॉडी के अराउंड एक बहुत ही फ्लेक्सीबल आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, और जो कि मखसूस डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है टू द सीलिएट्स, तो उसको पेलिकल कहते हैं। सीलिया बेटा थाउजेंड ऑफ सीलिया होते हैं और पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं। इसकी अगर बॉडी देखें तो आपको लगेगा जैसे कि सोल लाइक बॉडी, के जूते का तलवा जो होता है उसकी तरह की बॉडी होती है इसकी। तो उसमें बॉडी के अराउंड हर जगह पर इनमें सीलियाज मौजूद होते हैं। कुछ सीलिएट्स जो है बेटा वो सेसाइल भी होते हैं, जो नॉन मेटाइल होते हैं, जो कि अपने आप को किसी भी सरफेस के साथ जोड़ लेते हैं तो वहीं पे अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो है वो वाटर करंट्स के जरिए अपनी जो फूड है वो हासिल करते हैं, और जो है ना वो बैक्टीरियाज या दूसरे टाइनी प्रोटिस्ट जो इनसे छोटे होते हैं उनको खाकर जिंदा रहते हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जी इनके अंदर, जो कि इनमें वाटर की जो रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। ये जो अगला मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीलिएट्स जो है वो दैट डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोआंस हैविंग टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, कि दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं इनकी बॉडी में, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो न्यूक्लियस जो है ये स्मॉल होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जितनी भी रिप्रोडक्शन होनी है रिप्रोडक्शन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए अलग से एक न्यूक्लियस है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। सेकेंड वन इज मैक्रो न्यूक्लियस, ये बड़ा होता है
पॉलीप्लॉइडी होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूमरस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये कंट्रोल करता है पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और उसकी ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए मैक्रोमोन्यूक्लियस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए माइक्रोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया जाता है। रिप्रोडक्शन जी, तो ये जो है ना वो कंजुगेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में कंजुगेशन बड़े तफसील से पढ़ाया बेटा। तो ये कंजुगेशन जो है ना वो प्रोसेस के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। आपको पता है कंजुगेशन इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कंजुगेशन में टू इंडिविजुअल आपस में दूसरे के करीब आते हैं और अपना जेनेटिक जो मटीरियल होता है उसको एक्सचेंज करते हैं। जी बेटा, देन वी हैव फोरामेन इंफेरेंस एंड एक्टिनोपोड्स। इनके अगर हम टेस्ट या शेल्स यानी कि एक्सटर्नल या आउटर कवरिंग को देखें तो दो तरह के शेल पाए जाते हैं। जो फोरामेन इंफेरा है इसका शेल बेटा कैल्शियम से बना होता है, और जो एक्टिनोपोडा है उसका शेल सिलिका से बना होता है। न्यूट्रिशन अगर आप इनकी चेक करें तो न्यूट्रिशन में वो कहते हैं जी ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बनाते हैं अपने बॉडी से, और ये प्रोजेक्शन जब बाहर निकलते हैं तो ये हैंड लाइक जो है ना वो हाथों की तरह का ये काम करते हैं, और ये अपने बॉडी के अराउंड जो भी कोई ऑर्गेनिज्म आता है उसको चकर लेते हैं। तो ये स्टिकी नेटवर्क होता है इन साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स का, जिसमें ये उस ऑर्गेनिज्म को जकड़ कर बाद में उसको बॉडी के अंदर ले जाते हैं और अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चाक, वो कहता है डेड फोरामेन इंफेरेंस जो है उनके शेल्स पानी के अंदर नीचे ओशंस के अंदर नीचे जमीन के साथ इकट्ठे होकर चले जाते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू चाक। तो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स जो हैं वो पास्ट फोरामेन इंफेरेंस या जो डेड फोरामेन इंफेरेंस थे उनके मर जाने से, प्रीवियस या एंशियंट फोरामेन इंफेरेंस के मर जाने से आज हमें लाइमस्टोन के डिपॉजिट हासिल हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव लास्ट टाइप ऑफ प्रोटोजोआंस, दैट इज एपिकम्प्लेक्सेंस। एपिकम्प्लेक्सेंस जो है बेटा ये पैरासिटिक प्रोटोजोआंस है, और ह्यूमंस में ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, जिनमें सबसे मशहूर इसमें प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना, जो कि मलेरियल पैरासाइट है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इसमें कोई भी नहीं होता। दे मूव बाय फ्लेक्सिंग देयर बॉडी, दे मूव बाय फ्लेक्सिंग देयर बॉडी। स्पोर्स जो है अगर आप देखा जाए तो कहते हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ये स्पोर्स बनाते हैं जो कि स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट्स ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट होस्ट, जो कि नेक्स्ट होस्ट तक ट्रांसफर करने के भी काम आते हैं। आमतौर पर इसके बेटा टू होस्ट होते हैं, मैन बहुत सारे एपी कॉम्प्लेक्सेंस के बहुत सारे होते हैं लेकिन इसके टू होस्ट होते हैं, एक उसमें मैन है और एक उसमें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। अगर आप डायग्राम पे देखें और इसका लाइफ साइकिल देखें, ये जब एंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर तो स्पोरोजॉइट्स की सूरत में एंटर होता है, उस वक्त प्लाज्मोडियम की कंडीशन को स्पोरोजॉइट कहते हैं। बेटा ये कंडीशन से क्या मुराद है, देखिए एक ह्यूमन पैदा होता है तो पैदा होते वक्त वो बच्चा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है जिसे हम कहते हैं नौजवान हो गया, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। तो ये तीन स्टेजेस हैं हमारी लाइफ की भी, बच्चा, नौजवान और बूढ़ा। सेम इसी तरह से इसकी भी ये बॉडी की स्टेजेस हैं प्लाज्मोडियम की। स्पोरोजॉइट प्लाज्मोडियम ही है लेकिन ये वो प्लाज्मोडियम कहलाता है जो अभी जस्ट एंटर हुआ है हमारे बॉडी में, और ये चला जाता है हमारे लिवर में। लिवर में जाकर जब ये डिवाइड होता है और रीडिवाइड होता है तो ये अपने नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसे कहते हैं मेरोजॉइट। मेरोजॉइट जो है वो फिर अगले रेड ब्लड सेल्स को ढूंढते हैं, फिर वो पूरा का पूरा साइकिल जो पहले परफॉर्म हुआ वो परफॉर्म होता है, और देन कुछ मेरोजॉइट्स ऐसे होते हैं कि वो दोबारा दोबारा रेड ब्लड सेल्स को पकड़ के अपना साइकिल परफॉर्म नहीं कर रहे होते, ठीक है, हमें मलेरिया ट्रांसफर नहीं कर रहे होते। वो ये कह रहे होते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्म जो है बेटा मेरोजॉइट से वो है गैमेटोसाइट। अब गैमेटोसाइट उसके नाम से जाहिर है गैमेट्स की फॉर्मेशन है। तो गैमेट्स बेटा दो तरह के होते हैं, एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है। अब ये मेल और फीमेल गैमेट जब बनते हैं तो ये आ जाते हैं इन द सलाइवा ऑफ जब कोई अब देखो ये बने सारे हमारे अंदर है, ह्यूमन में बने हैं। अब हमें कोई ऐसा मच्छर काटेगा जो कि हेल्दी था तो हम अब हमारे ब्लड से वो गैमेटोसाइट ले लेगा। जब मेल और फीमेल गैमेट्स जाएंगे जो है ना वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर, तो मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर डिप्लॉयड सेल बनाएंगे, और जो डिप्लॉयड आगे बनेगा सेल उसे कहते हैं स्पोरोजॉइट, ठीक है। अब वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जिसमें ये स्पोरोजॉइट बन चुका है, ठीक है, वो जब बेटा किसी हेल्दी पर्सन को काटेगी, ठीक है, तो उसके अंदर दोबारा से स्पोरोजॉइट ट्रांसफर कर देगी। देखें
स्पोरोजाइट ट्रांसफर हुआ, मेरोजाइट में कन्वर्ट हुआ, मेरोजाइट आगे चल के गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। गैमेटोसाइट ने क्या प्रोड्यूस किया, स्पोरोजाइट प्रोड्यूस किया। अब वो जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हमें काटेगी तो वो हमारे अंदर स्पोरोजाइट ट्रांसफर करेगी, ठीक है जी। तो ये था पूरा का पूरा इसका लाइफ साइकिल। तो प्लाज्मोडियम जी इसकी एग्जाम्पल है एपिकम्प्लेक्सेंस की, जो हमें मलेरिया काज करता है। प्लाज्मोडियम जो है ना वो हमें कैसे प्रोड्यूस होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बाइटिंग से, काटने से। जब ये एंटर होता है तो स्पोरोजाइट होता है, फिर लिवर में चला जाता है, देन ये मेरोजाइट में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड के और नेक्स्ट रेड ब्लड सेल्स को ढूंढ रहा होता है। तो वो कहता है कि देन जब ये रेड ब्लड सेल्स को बस्ट कर चुका होता है तो नए पैरासाइट्स मेरोजाइट रिलीज होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरोजाइट अपने आप को जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं गैमेटोसाइट के अंदर। तो उस वक्त जब रेड ब्लड सेल्स बेटा बहुत ज्यादा टूट रहे होते हैं, जब रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा टूट रहे होते हैं तो तब मलेरियल सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ठीक है जी। रेड ब्लड सेल्स की बहुत ज्यादा टूटने की वजह से मलेरिया की सिम्टम्स अपीयर होती है। वो सिम्टम क्या है, चिल, आपको बहुत ज्यादा सर्दी लग रहा, इवन के गर्मी के दिन में भी आपको सर्दी लगेगी अगर आपको मलेरिया होगा तो विच फॉलोड बाय हाई फीवर, फीवर बहुत तेज हो चुका होता है आपको उस वक्त, कॉज्ड बाय टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट आर रिलीज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ मेरोजाइट्स एंड अफेक्ट अदर बॉडी ऑर्गन्स आल्सो। तो वो कहते हैं कि उसमें आपको कपकपी तारी हो जाती है और ये बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी रिलीज करते हैं जो आपके दिमाग और आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये था बेटा लाइफ साइकिल सारा का सारा एपिकम्प्लेक्सेंस का। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने तमाम प्रोटोजोआंस के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि प्रोटोजोआंस की कितनी टाइप्स हैं और उन टाइप्स के आगे क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है जी। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।